हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। आई एम मुनेश कुमारी, चीफ मेंटर एंड सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यु आईएएस। एंड टुडे आई एम विद यू विद द प्रीवियस ईयर एनालिसिस ऑफ सीसेट एग्जाम। टुडे आई विल डिस्कस द पेपर 2015-22। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे, कितने कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए थे, सभी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस, सबसे पहले अगर हम बात करते सी सेट के एग्जाम की, इन दैट केस यू हैव थ्री सब्जेक्ट्स, व्हाट इज दैट इज क्वांट। आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं क्वांट्स, अगर हम क्वांट्स की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और यू कैन से मैथ्स पोर्शन। ओके, क्वांट के बाद आ जाता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। यस, लॉजिकल रीजनिंग। एंड आफ्टर लॉजिकल रीजनिंग यू हैव लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, अब अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, इन दैट केस यू गो फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अगर हिंदी मीडियम है देन हिंदी कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल रहे हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि हाँ, हर बार चेंज होते रहते हैं, ऐसा एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि हर बार आपको ऐसा होगा कि जो 80 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 80 क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई आपको 25 इससे मिल जाएंगे, 25 इससे मिल जाएंगे और यहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, देन दिस विल बी रॉन्ग। Because the number of questions vary every year, हर बार change होता है pattern। कई बार ऐसा होता है कि आपको logical reasoning से 10 questions ही मिल रहे हैं या 15 question आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से RC से आपको 20 questions मिल रहे हैं। It also depends कि हाँ, quantitative aptitude से आपको 40 questions मिल जाएं, यहाँ पे आपका ये 20-20 हो गया, ये 40 हो सकता है। It depends. That means you have to prepare yourself कि हाँ, एग्जाम में किसी भी तरह का कोई पैटर्न आ जाए हम उसको कर सकते हैं। Now the thing is कि जो CSET का एग्जाम है, that is of qualifying nature। But सिर्फ इतना कहने से कि qualifying nature का पेपर है, 33% मार्क्स हमने लेने हैं, ये इजी नहीं हो जाता है, बिकॉज पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो भी इंक्रीज हो रहा है हर बार। क्वेश्चन पैटर्न आर आल्सो चेंजिंग कि हाँ, आपका जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट की बजाय मल्टीपल स्टेटमेंट के बेस पे मिल सकता है, आपको क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में मिल सकता है, ओके, डायरेक्ट भी आपको मिल सकता है, इट डिपेंड्स। तो सभी ने अपने आपको एटलीस्ट इतना प्रिपेयर कर लेना है कि यहाँ पे आपका 40% आप एटलीस्ट ले सको। ओके, 33 पे नहीं फोकस करना, मिनिमम 40% का तो आप टारगेट रखोगे, तभी कहीं जाके आपको 33% मिलेगा। अब उसके लिए एनालिसिस काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। अब आपने यहाँ पे एक और पॉइंट माइंड में रखना है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, तो वो ये वाला जो सेक्शन है ये उनके लिए एज बन जाता है कि हाँ, क्वांट से हम अच्छे से कर लेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मार्क्स ले सकते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग तो सभी के लिए ही इजी है, लॉजिकल रीजनिंग तो सभी ने करना है, ये मान के चलो। तो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कि हाँ, मैं क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कर लूँ, अगर मेरा क्वांट अच्छा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा इंग्लिश ज्यादा अच्छा है, देन इन दैट केस यू कैन मेक स्ट्रेटेजी कि मैं लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का पेयर बना के इसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन कर। ओके, तो अब आज के इस वीडियो में पहले हम देखते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल रहे, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपनी एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर पाओ। तो लेट अस बिगिन विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ सेक्शन से शुरू करते हैं हम यहाँ पे। हाँ जी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैथ्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 के अंदर, एग्जाम के अंदर 24 क्वेश्चंस थे। हाँ जी, 15 में 24 क्वेश्चन मैथ्स से आए हुए थे, 16 देयर वर 27, 22, 27, 26, 20 के अंदर आप यहाँ पे देखो, इसके बाद से पैटर्न एकदम से चेंज हो गया। 2020 के अंदर 41 क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके, एंड देन 2021 33 क्वेश्चंस, 2022 38 क्वेश्चन। नाउ
वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स। अब यहाँ पे अगर हम टॉपिक्स देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन से 2022 के अंदर वन क्वेश्चन था, ठीक है। 20 के अंदर वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड देन इन 60। अब आप ऐसा कर सकते हो, अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि काफी डिफिकल्ट है, कुछ क्वेश्चन टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा पढ़ के भी मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, ओके। तो उस केस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्सचर एंड एलिगेशन से वन क्वेश्चन आया हुआ था, और अगर थोड़ा आप लॉजिकली स्ट्रोंग हो तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, हाँ जी, रेशियो पे बेस्ड हो सकता है या आपका फ्रैक्शन के पे बेस्ड है, मीन्स की आप सिंपल कैलकुलेशन के साथ में भी सोल्व कर सकते हो। तो आप इस टॉपिक को डिपेंड करता है कि अगर आपको डिफिकल्ट लगता है यू कैन स्किप दिस टॉपिक, छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है, ओके। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर सिस्टम से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। 15 में 3 क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम से, ठीक है। इन 16 देयर वर 5 क्वेश्चन, 17 6 क्वेश्चन, 18 6 क्वेश्चन, 19 5 क्वेश्चन, 20 देयर वर 14 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम, इन 21 देयर वर 8 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम, इन 22 देयर वर 14 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम। That means what? This is very very important topic. और numbers का ही खेल है सिर्फ, numbers को तो आप prepare कर ही सकते हो at least. तो यहाँ पे ये जो topic है ये आपको अच्छे से prepare कर लेना, हाँ जी। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि number system को हमने अच्छे से prepare कर लेना, okay? उसके बाद में अगर हम profit loss देखते हैं, yes, 15 one question, 16 one question, in 18 3 question, 17 में कोई question नहीं था, अगेन 2022 में भी कोई क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से नहीं था, ओके। 29 2 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 21 1 क्वेश्चन। नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको लगता है कि हाँ प्रॉफिट लॉस मुझे इजी लगता है, मुझे थोड़ा आता है, मैं कर लूँ थोड़ी प्रैक्टिस तो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्किप कर देता हूँ, स्किप कर देती हूँ, तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका प्रॉफिट लॉस। अब अगर आप इसको स्किप कर रहे हो तो यहाँ पे टॉपिक है परसेंटेज, हाँ जी, परसेंटेज। परसेंटेज से हर बार एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस परसेंटेज से आ रहे हैं। दैट मींस कि परसेंटेज को सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर ले रहा है। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है, इन दैट केस दिस विल बी हेल्प इन हेल्पफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन आ भी गया, इजी क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट लॉस से, ठीक है ना। तो अगर आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर है और लॉजिकली आप स्ट्रॉन्ग हो तो दूसरे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते। परसेंटेज का कंसेप्ट आपका डीआई में भी आ जाता है, परसेंटेज का कंसेप्ट अदर टॉपिक्स में भी आपको मिल जाता है, सिंपलीफिकेशन के अंदर भी आपको परसेंटेज का कंसेप्ट मिल सकता है। तो इसलिए परसेंटेज को सभी ने अच्छे से कर लेना है, यस। जिनको मैं मार्क कर रही हूँ इन टॉपिक्स को तो आपने अच्छे से करना ही करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ इंग्लिश से मैं अच्छा कर सकता हूँ, तब भी आपको ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं, हाँ जी। अगर आपको लगता है कि यस मेरा मैथ्स अच्छा है, फिर तो पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैथ्स में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम रहती है, इन दैट केस मैं कुछ टॉपिक्स आपको जो बता रही हूँ उनको अच्छे से कर लेना, ओके, यस। देन एवरेज, एवरेज से हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहा है। प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन एजेस से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अब जब हम बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो पहले यहाँ पे देख सकते हो आप क्या हो रहा है, वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन, टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट दिस ईयर बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया, फाइव क्वेश्चंस वर फ्रॉम प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन, बट दीज फाइव क्वेश्चंस वर लाइक कि आपको अगर परमोटेशन कॉम्बिनेशन इतना अच्छे से नहीं भी क्लियर है और अगर आप लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो तो आप इन टाइप के क्वेश्चन को कर सकते थे, आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन भी सभी ने अच्छे से करना है, permutation combination and probability, okay, yes। then partnership, partnership आपके syllabus में है but exam के अंदर questions आप यहाँ पे देख रहे हो कि नहीं आते, तो अगर आपके पास में time नहीं है you can skip this part, yes छोड़ दीजिए, कोई issue नहीं है, अगर नहीं आ रहा छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा math strong है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं पार्टनरशिप के उनको आप देख सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं आता मैथ्स, मुझे मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देन द थिंग इज एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ,
एलसीएम एचसीएफ से भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाता है। वैसे जो एलसीएम एचसीएफ है दिस इज पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, है ना, एक तरह से नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। तो अगर आपको एलसीएम एचसीएफ है थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, यस, देन परसेंटेज जैसे मैंने अभी बताया इंपॉर्टेंट है, देन यू विल गो फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब अगर हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज नंबर सिस्टम, है ना। एग्जाम में आपको 7 to 8 क्वेश्चन हर बार मिल जाते हैं, 7 to 8 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। नाउ द थिंग इज व्हाट, कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस होते कैसे हैं, क्या सिंप्लीफिकेशन के बेस पे आपको जस्ट एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है? नहीं, एक्सप्रेशन सॉल्विंग के क्वेश्चंस नहीं आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मिलती, ओके okay? और जो इस तरह के क्वेश्चंस है ये आपको मिल जाते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग की फॉर्म में। अगर आपको जैसे क्वेश्चन सर्च करना है अर्थमेटिक रीजनिंग से आप इसको देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है क्या होंगे, इन पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आ रहे हैं। दीज आर सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स जिसके अंदर आपको थोड़ा अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है और यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो जो इस तरह के क्वेश्चन है वो आ जाते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस से भी हर बार क्वेश्चन मिलता है। इस बार भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस पे इस बार भी आया हुआ था, बट वो क्वेश्चन क्लॉक के साथ में था, टाइम एंड डिस्टेंस प्लस क्लॉक। तो अब वो डिपेंड करता है वो क्लॉक के अंदर हमने उसको कंसीडर कर लिया है, तो टाइम एंड डिस्टेंस और क्लॉक का दोनों का कंसेप्ट बीच में इंक्लूड करके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ था, तो टाइम एंड डिस्टेंस भी सभी ने कर। यस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देखो हर बार एग्जाम के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ रहा है, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट, क्योंकि हम ये बाकी के टॉपिक्स करते हैं तो उसके अंदर कंसेप्ट यूज हो जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट सभी ने कर लेना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यस, प्रोबेबिलिटी अगेन यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस नहीं आए हुए, अगर आपको प्रॉब्लम आती है प्रोबेबिलिटी में यू कैन स्किप, बट अगर आपको कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा इजी हो जाता है। Yes, अगर आपका कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर आपका कॉम्बिनेशन क्लियर है तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए काफी इजी हो जाता है। ओके, यस, नेक्स्ट नंबर सीरीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यस 17 के बाद 18 से हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहा है नंबर सीरीज से। 1 to 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नंबर सीरीज से, नंबर सीरीज की सभी ने प्रैक्टिस। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं डीआई की, यस एक एक दिखाई नहीं दे रहे, एक सेकेंड, यस अभी आई होप सभी को विजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है आपके पास में डीआई का पार्ट, इसको हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, बार ग्राफ लाइन चार्ट डाटा टेबल पाई चार्ट, ओके। तो ये जो है आपके पास में डाटा टेबल, तो इनसे आपके पास में क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं मिल रहे। पाई चार्ट से एक क्वेश्चन इस बार आया था, पाई चार्ट से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ठीक है। अदरवाइज आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट इट डिपेंड्स, यूपीएससी है, कभी भी पैटर्न चेंज कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम 2018 का पेपर उठाते हैं, 2018 का पेपर अगर हम देखें तो यहाँ से आप देख सकते हो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर से बार ग्राफ से 3 क्वेश्चन, लाइन चार्ट के 5 क्वेश्चन, डाटा टेबल के 2 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपके पास में जो टोटल क्वेश्चन आए हुए थे 8 to 10 क्वेश्चंस वन फ्रॉम डीआई, ओके। और इस बार क्या आया था आपका, पाई चार्ट पे क्वेश्चन आया हुआ था, जो मैं बता रही हूँ आपको, पाई चार्ट पे क्वेश्चन आया हुआ था, एक डाटा टेबल पे 21 के अंदर आया हुआ था, इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब उसके लिए करना क्या है, क्या हम डाटा टेबल को डिटेल में करें, पाई चार्ट को डिटेल में करें, लाइन चार्ट को डिटेल में करें, कैसे करना है? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जस्ट यू शुड नो कि हाँ जो ग्राफ्स हैं उनको रीड कैसे करना है, ग्राफ से डाटा कैसे पिक करना है, ओके। और उसके बाद में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है तो आप इजीली कर लोगे। और दूसरा, अगर इस पर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है ये आपके लिए ईजी हो जाता है, लॉजिकली आप थोड़ा स्ट्रोंग हो जाते हो, ओके।
अब उसके बाद अगर हम मेंशुरेशन और ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे भी एग्जाम के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास में इस बार टू क्वेश्चंस आए हुए थे, टू क्वेश्चंस वर फ्रॉम मेंशुरेशन एंड ज्योमेट्री पार्ट। ओके यस, 21 के अंदर 3D से क्वेश्चन आया हुआ था, 20 के अंदर 1 क्वेश्चन वर फ्रॉम 3D, इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिल रहे थे। बट यहाँ पे अगर मेंशुरेशन और ज्योमेट्री को देखे तो काफी ज्यादा वास्ट में, अगर हम इसका सिलेबस देखते हैं काफी ज्यादा वास्ट में, और आपको 1 to 2 क्वेश्चंस ही यहाँ पे मिल पाते हैं। तो आप अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है इन दैट केस डू दिस पोर्शन, अगर नहीं देन छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट जिन जिन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे मार्क किया है वो टॉपिक्स तो आपको सभी करने ही करने हैं। क्लियर? यस, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम यहाँ पे बेटा लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए लॉजिकल रीजनिंग, हाँ जी, लॉजिकल रीजनिंग से 15 के अंदर 24 क्वेश्चन थे, 16 में 26, then 29, 25, 24, 15, sorry, 14 and 15. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चेंजेस क्या आ रहे हैं यूपीएससी के थ्रू, कि क्वांट के क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। ठीक है, बट लॉजिकल रीजनिंग का काफी इजी सेक्शन होता है कि आप थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं आप सभी कर सकते हो। ओके, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका हम आइडिया कैसे ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है सिलोजियम। सिलोजियम से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, सिलोजियम सभी ने अच्छे से करना है। देन क्लॉक कैलेंडर से भी हर बार क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखिए जो क्लॉक के यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए, 1 क्वेश्चन वाज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, यस लास्ट टॉपिक अभी हमने मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, टाइम एंड डिस्टेंस और क्लॉक दोनों का कंसेप्ट था वहां पे, टाइम का भी, तो इसके लेकर के उसको हमने क्लॉक के अंदर कंसीडर कर लिया। तो 2 क्वेश्चन थे ये, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 21 में 1 क्वेश्चन, 20 के अंदर नहीं था, 19 में 1 क्वेश्चन, 17 में 2 क्वेश्चन थे, 15 में 1 क्वेश्चन, दैट मींस कि क्लॉक भी हमने करने। ओके, कैलेंडर से भी आप देख सकते हो, यस 1 क्वेश्चन 19 में 1 क्वेश्चन था, 17 में भी 1 क्वेश्चन कैलेंडर से आया हुआ था। इजी टॉपिक है, कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग का तो मैं यही कहूंगी इजी है, लॉजिकल रीजनिंग सभी ने अच्छे से करना है, रियल टाइम के क्वेश्चन होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में भी मजा आएगा आपको कि हाँ अच्छे से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के लाइक डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ सिलोजियम है, काफी इम्पोर्टेंट है, क्लॉक से हम डेली ऑब्वियसली हम क्लॉक देखते, इजी पार्ट है। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग के तो सभी टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग सभी ने अच्छे से करना है, बिकॉज कोडिंग एंड डिकोडिंग से हर बार एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिल रहा है। ओके, डाटा सफिशियंसी, अब अगर हम यहाँ पे बात करें डाटा सफिशियंसी इज नॉट अ टॉपिक, डाटा सफिशियंसी इज ए टाइप ऑफ क्वेश्चन। डाटा सफिशियंसी जो क्वेश्चन है वो आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से मिल सकते हैं, द क्वेश्चन मे बी फ्रॉम ब्लड रिलेशन, द क्वेश्चन मे बी फ्रॉम द डायरेक्शन सेंस, ऑर्डरिंग, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो डाटा सफिशियंसी की टाइप को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे भी अगर आप टोटलिंग करोगे देन यू विल सी कि 15 क्वेश्चन से ज्यादा बन रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैडम यहाँ पे तो आप कह रहे हो 15 क्वेश्चन एग्जाम में आए बट टोटलिंग इज मोर देन 15, तो रीजन यही है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में आया हुआ मैंने उसको यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया और जो टॉपिक था वहां पे भी मैंने उसको मेंशन किया, बट द क्वेश्चन वाज सेम। ओके, तो डाटा सफिशियंसी से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो डाटा सफिशियंसी को सभी ने प्रैक्टिस कर। देन ब्लड रिलेशन, हियर यू कैन सी ब्लड रिलेशन 17 क्वेश्चन, 18 1 क्वेश्चन, 19 1 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 21 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 22 के अंदर भी 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, दैट मींस इंपोर्टेंट एंड इजी पार्ट। देन डायरेक्शन सेंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, डायरेक्शन सेंस भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट एनालॉजी, तो एनालॉजी है, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस अगर आपका
कोडिंग एंड डिकोडिंग क्लियर है, इन दैट केस ये वाला सेक्शन आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। और आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है, जनरल अवेयरनेस अच्छी है, साथ में ही आपका कोडिंग डिकोडिंग अच्छा है, इन दैट केस ये आपका इजीली आप कर सकते। पजल, पजल पहले अगर हम देखें तो हर बार आपको काफी सारे क्वेश्चंस पजल में से मिलते। देखो 2015 6 क्वेश्चन, 2016 12 क्वेश्चन, 2017 11 क्वेश्चन, 2018 8 क्वेश्चन, 19 3 क्वेश्चन, हर बार इतने क्वेश्चंस। बट अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिल, जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, अगर आप कहो कि हां पजल से कुछ नहीं आ रहा, तो मैं यहां पे आपको यही कहूंगी कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं और उस पे कुछ क्वेश्चन आ जाता है, एंड यू कैन कंसीडर दैट क्वेश्चन इन पजल, यू कैन कंसीडर दैट क्वेश्चन इन अरेंजमेंट। ओके, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन यहां पे मिलते हैं, तो आपको लॉजिकल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है। जो बड़ी बड़ी पजल्स हैं, लाइक आप ये कहो कि आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि आप एक पजल है उसको सॉल्व कर रहे हो और उस पे 4 to 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ओके, लॉजिकल वेन डायग्राम पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, पहले क्वेश्चंस आ रहे थे, यू कैन स्किप दिस अरिथमेटिक रीजन। अब यहां पे मैंने इसको मार्क क्यों किया, यहां पे तो आपको 1, 1, 2, 2 क्वेश्चंस दिख रहे, बिकॉज़ जो अरिथमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, यू कैन कंसीडर दोस क्वेश्चंस अंडर सिंपलीफिकेशन, जो कि मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर यहां पे मेंशन किया है बेटा, सिंपलीफिकेशन, यस दिस पार्ट। ओके, यू कैन से दिस बोथ आर सेम, अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लॉजिकल डिपेंड्स कि हां कोई टीचर उसको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कंसीडर कर रहा है, तो कोई उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, दीज आर लॉजिकल क्वेश्चन इन विच सम अर्थमेटिक कैलकुलेशंस डन टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो इस पे भी आपने प्रैक्टिस कर। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कंक्लूजन, और यू कैन से क्रिटिकल रीजनिंग। ओके, एनालिटिकल क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस अब डायरेक्ट नहीं आ रहे, पहले आते थे, बट आजकल अगर आप देखो, देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन अजम्पशन के क्वेश्चंस आने बंद हो गए, नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ आरसी, इंग्लिश सेक्शन के अंदर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक स्मॉल पैराग्राफ है और उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है कंक्लूजन का, एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको अजम्पशन, तो वहां पे आपके पास आ जाते हैं, रीजनिंग में नहीं आ। ऑर्डर एंड रैंकिंग, यस ऑर्डर एंड रैंकिंग अगर हम देखें तो देखो हर बार आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, दैट मींस इंपॉर्टेंट है। क्यूब एंड डाइसेस, 18 के अंदर आपके पास में 4 क्वेश्चंस आए हुए थे डाइस से, एंड इन अदर इयर्स देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम क्यूब, तो क्यूब और डाइसेस डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपको मिल भी सकता है, इफ यू वांट टू स्किप देन यू कैन, बट इजी है, मैं कहूंगी कि हाँ कर सकते हो आप। लॉजिकल अल्फाबेट्स, अगर लॉजिकल अल्फाबेट की बात करें तो अगर आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, देन इन दैट केस जब आप स्टार्ट करते हो कोडिंग डिकोडिंग करना, तो उस केस में सबसे पहले तो अल्फाबेट्स पे ही वर्क करते हो। ओके, तो अगर आपके अल्फाबेट की क्लियरेंस है तभी आप कोडिंग डिकोडिंग कर पाओगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हमने ये प्रिपेयर कर लिया कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो लॉजिकल अल्फाबेट तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। फिटिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट से आपको क्वेश्चन मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो देयर वर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम अरेंजमेंट। अब ये जो 3 क्वेश्चंस है उसमें से एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट अरेंजमेंट पे था, ठीक है, और 2 डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आए हुए थे, 2 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आए हुए थे, तो इसलिए अरेंजमेंट भी आपने अच्छे से। देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से हर बार क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। Then if we talk about counting figures, तो counting figure के अंदर देखिए 2018 में question आया हुआ था, एक star था और star के अंदर से आपको बताना था number of triangles कितने बन रहे हैं। Okay? तो उसके बाद और कोई questions नहीं आए हुए हैं, तो आप इसको भी skip कर सकते। जो important topics है वो सभी ने prepare कर लेने। The topics regarding कोई आपका आता है कि कोई query है, then you can comment in the comments. Then come our English section. अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, हर बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो कॉम्प्रिहेंशन है दैट इज ऑल्सो इन डिफरेंट फॉर्म, कैसे आ रहे, पैटर्न चेंज हो गया,
पैराग्राफ है उस पर वन क्वेश्चन मिल रहा है आपको एजम्पशन की फॉर्म में, कंक्लूजन की फॉर्म में, या फिर आप ऐसा कह सकते हो टोन ऑफ द पैसेज बताओ, ओके इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपने उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर। अब ये डिपेंड करता है कि हाँ जो इंग्लिश का सेक्शन है उसके अंदर काफी कंफ्यूजन सी बनी रहती है कि जो क्वेश्चन के ऑप्शन है वो तो काफी रिलेटेड ऑप्शन होते हैं एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हाँ दोनों में से मैं किसको सेलेक्ट करूं। तो अगर आपका ये वाला पार्ट स्ट्रोंग है देन गो फॉर दिस पार्ट, अदरवाइज 7-8 क्वेश्चन तो निकल ही आते हैं इजी, आप उनको कर सकते हो, साथ में आप इंग्लिश जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसको अच्छे से। एक बार डिटेल डिस्कशन देख लेते हैं। हाँ जी, अगर हम यहाँ से देखते हैं 15 से 2022 तक का, तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ जी 15 से 22 तक अर्थमेटिक रीजनिंग 15 के अंदर 24 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 24 क्वेश्चन, इंग्लिश 26 logical reasoning and 27 English. 2017 22 questions, logical reasoning 29 questions, English 29. 2018 27 questions, quantitative aptitude 25, logical reasoning 28, English. 2019 26 questions, quantitative aptitude 24, logical reasoning and 30 from English. Then in 2020 41 questions from quantitative aptitude. Means यहाँ से pattern बिल्कुल change हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि quantitative aptitude questions बढ़ गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 20 में 41 questions थे, 22 के अंदर 42 questions थे, 22 के अंदर 38 थे, 21 में 42 थे और 22 के अंदर 38 questions. Okay? That means कि pattern change हो गया, यहाँ से logical reasoning के questions कम हो गए, quant के questions. और जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर वही आपका जो रहता है इश्यू 25-27, ओके पास फ्रॉम। तो ये था आपका पूरे 8 इयर्स का एनालिसिस। फ्रॉम दिस एनालिसिस यू कैन प्रिपेयर योर स्ट्रेटजी कि मैंने कैसे प्रिपेयर करना है। आपको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है, टॉपिक वाइज आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने पूरा कम्प्लीट सिलेबस एक बार करना, आप कम्प्लीट सिलेबस कर सकते, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अब उसके लिए करना क्या है, पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर का कोई पेपर देखेंगे और उसमें आप देखो कि जब आप उसको सोल्व करते हो तो कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, क्या आपका स्कोर बन रहा है। अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, इन दैट केस जस्ट आपने 1 घंटा प्रैक्टिस डेली करनी है, ओके। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आ पा रहा, मेरे से 33% नंबर भी मेरे नहीं बन रहे, है ना, तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से कंसेप्ट वाइज क्लियर, दैट मींस कि मिनिमम 2 आवर्स तो आपने डिवोट करने ही है, ओके। यस, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट ऑन अवर वेबसाइट, दैट इज abhipedia.abhimanyu, ओके। अगर आपको सीसेट से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन द साइट इज अगेन abhipedia.abhimanyu.com एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर सीसेट। आप यहाँ से ले सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कोई भी रिक्वायरमेंट, देन यू कैन विजिट। अगर आपकी और भी कोई क्यूरी है, इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट्स, इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, बने रहिए अभिमन्यु आईएएस के साथ, बेस्ट ऑफ।